जयपुर से बड़ी खबर है। राजमेस के मेडिकल टीचर्स का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले दो दिनों से लगातार सामूहिक अवकाश पर है 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स। और कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की सूचना, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से एक आतंकी को ढेर किया गया है। कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की सूचना है और ऐसे में लगातार वहां पर सुरक्षा बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा बल तैनाती के साथ ही आतंकियों को ढूंढने की भी कोशिश में, लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी जारी है और एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। कार्रवाई लगातार जारी है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है जहां पर 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। एक आतंकी को मार गिराया गया है तो वहीं और जो आतंकी छिपे हुए उन्हें ढूंढने की भी कोशिशें की जा रही। ऑपरेशन के अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार सुरक्षा बल डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं आतंकियों को पकड़ने के लिए। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, यह बड़ी सूचना इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। तो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग कोशिशों के जरिए आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से इस वक्त यह बड़ी खबर आपको बता रहा है जहां पर सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। और भारी बारिश की बात कर लेते हैं, जिसके बाद बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में कोहराम मचा रखा है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जहां देखो वहां कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कुदरत का रौद्र रूप, कहर बरपा रहा है सैलाब, कहीं बाढ़ में फंसे लोग, कहीं मूसलाधार बारिश में बही का। सावन की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अपने गियर को एक बार फिर बदल लिया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में कुदरत की सुपर पावर का असर साफ दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद देश भर के कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं। सूरत में बेहिसाब बारिश हो रही है। शहर के निचले और तटीय इलाकों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इसी बीच पालसरा इलाके से डराने वाली तस्वीरें आई हैं, जहां सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। बालेश्वर इलाके से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सैलाब का पानी लोगों की कमर तक जा पहुंचा है। सैकड़ों परिवार सैलाब के शिकंजे में फंसे हैं, जिस वजह से रेस्क्यू बोट के सहारे लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। यहाँ हालात ऐसे हो चुके हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहां के बाटवा खारा बांध का पानी अपनी हदों को पार कर चुका है, लिहाजा बांध के गेटों को खोला गया तो हालात बेकाबू हो गए। बांध का बेहिसाब पानी इलाकों में दाखिल हो गया। कमर तक बह रहे पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई परिवारों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये परिवार सैलाब के बीच फंस गए। धीरे धीरे रेस्क्यू टीम ने मोर्चा संभाला। पहले कई परिवारों तक जरूरी राशन सामग्री पहुंचाई गई। उसके बाद जिन परिवारों को सैलाब से सबसे ज्यादा खतरा था, उन्हें रस्सी और नाव के सहारे रेस्क्यू किया गया। इस दौरान NDRF की टीम ने लोगों को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। यहाँ रवा नदी अपने रौद्र पर है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें सैलाब की प्रचंड लहरें
चंद सेकंडों के भीतर बिजली के खंभों को अपने साथ बहा लिया। यहाँ बाढ़ का पानी जितना इंसानों के लिए मुसीबत बना है, उससे कहीं ज्यादा जीवों के। बाढ़ से उफनती नदी की जद में 15 गाय आ गई और देखते ही देखते बाढ़ का पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गया। द्वारका में भी भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़क के बीचों बीच फंसी इस बस को देखिए, सैलाब की ताकत के आगे जब मशीन की ताकत जवाब दे गई, तब ट्रैक्टर की मदद से सारे यात्रियों को उतार कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। द्वारका से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, जहां कल्याणपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से आए सैलाब में एक कार तिनके की तरह बह गई। राजकोट में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका असर सीधे सीधे जनजीवन पर पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। सबसे ज्यादा चुनौती का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है जिनके घर इस सैलाब की जद में आ गए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं। धसार नदी में आए उफान की वजह से यहाँ 50 से ज्यादा लोग बाढ़ के बीच फंस गए, जिसके बाद NDRF की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बचाया जा सका। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर है, राजमेस के मेडिकल टीचर्स का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से सामूहिक अवकाश पर 17 मेडिकल कॉलेज के टीचर्स हैं, तो कॉलेज के टीचर्स RSR रूल्स के लिखित समझौते की मांग कर रहे हैं। मेडिकल टीचर्स की ओर से लगातार आंदोलन जारी है। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाता, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो RSR रूल्स के लिखित समझौते की मांग की जा रही है मेडिकल टीचर्स की ओर से, और आंदोलन लगातार जारी है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर है, कार सवार 4 युवकों ने लूटपाट की, किसान से नकद और मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। लुटेरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। ग्रामीणों ने कई किलोमीटर तक लुटेरों का पीछा करते हुए ने पकड़ा। कार सहित 2 युवकों को पुलिस के हवाले किया गया है। हालांकि मौका देखकर 2 लुटेरे मौके से फरार हो गए। तो किसान से डकैती लूटपाट की गई और उसके बाद लुटेरों को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया। 2 बदमाश पकड़े गए हैं जिन्हें पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि 2 लुटेरे फरार हो गए। जिस गाड़ी से वो भागने की कोशिश कर रहे थे उसे भी ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बाद वो अब पुलिस के हवाले कर दी गई है।